महंगाई से खस्ता हाल लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जल्द ही आम लोगों को डेली यूज के कई सामानों पर बढ़ी हुई जीएसटी रेट का झटका झेलना पड़ सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की मई में होने वाली अहम मीटिंग में 5% के टैक्स स्लैब को हटाकर नया 8% का स्लैब लाने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि कुकिंग ऑयल, चाय, कॉफी, चीनी, मसाले और मिठाई जैसे डेली यूज के सामान 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में आते हैं। 5% स्लैब के हटने और 8% के स्लैब के आने से इन जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यों की आमदनी बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल यह फैसला ले सकती है। काउंसिल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की चीजों के लिए 3% का जीएसटी स्लैब बना सकती है। इसके साथ ही 5% वाले स्लैब को हटाकर 8% का नया स्लैब बनाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला ऐसे समय में लिया जा सकता है जब अधिकतर राज्य रेवेन्यू बढ़ाने के इस फैसले के पक्ष में दिख रहे हैं।